और एक बड़ी खबर भी आ रही है, अवदीविका में यूक्रेन का ड्रोन हमला नाकाम हुआ है। रूस ने यूक्रेन के 10 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो भी जारी किया है। देखिए आपको दिखा रहे हमले की तस्वीर की, अवदीविका में यूक्रेन का हुआ है ड्रोन से हमला, लेकिन इस हमले को नाकाम कर दिया गया है। यूक्रेन अभी भी रूस के मुकाबले की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि यूक्रेनी फौज को एक एक गोली चलाने से पहले सोचना पड़ रहा है। आर्टिलरी और टैंक पर तैनात सैनिकों को पता है कि वो कितने दिन रूस के सामने टिक सकते हैं। रूस इस मौके का फायदा उठाने में जुट गया है। यूक्रेन के सभी एयर डिफेंस को खाली कराने के लिए जबरदस्त हवाई हमला हो रहा है। यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन से अटैक जारी है। यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए रूसी फौज आगे बढ़ रही है। कोशिश है कि हथियारों की नई खेप आने से पहले यूक्रेन को बेहद कमजोर कर दिया जाए। आसमान में एयर डिफेंस का डर नहीं, जमीन पर गोलाबारी का खौफ नहीं। सैनिक हैं लेकिन बारूद नहीं। जंग का जोश है लेकिन गोला बारूद नहीं। अब रूस के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, इसलिए ताबड़तोड़ हमले का दौर शुरू हो गया। रूस एक मिनट भी गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि नेटो से हथियारों की सप्लाई होते ही यूक्रेन दोबारा मुकाबले की शुरुआत करेगा। रूस की रणनीति इस वक्त यूक्रेन में बचे खुचे हथियारों को खत्म करने की है। फरवरी और मार्च में अपने कई फाइटर जेट को गंवाने के बाद रूस सबसे पहले यूक्रेन के तमाम एयर डिफेंस को खाली कराना चाहता है। यही वजह है कि रूस पर हवाई हमले तेज हो गए हैं। अड़तालीस घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 82 हवाई हमले किए हैं। 10 और 11 अप्रैल को यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन पर 27 मिसाइलों से हमले किए गए। यूक्रेन के 11 इलाकों में रूस का बारूदी कहर जारी है। यूक्रेन में जो एयर डिफेंस खाली है उसकी पहचान करके रूस उन्हें नष्ट कर रहा है। ये वीडियो ओडेसा में तैनात S-300 एयर डिफेंस पर हमले का है। रूस को जैसे ही एयर डिफेंस के खाली होने की जानकारी मिली, इसे नष्ट कर दिया गया। रूस यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जे की कोशिश में है। कोशिश है कि यूक्रेन में हथियार आने से पहले रूसी सेना कई इलाकों को खाली करा ले। अवदीविका में रूस कब्जे के बेहद करीब है। यहां से यूक्रेनी फौज लगातार पीछे हट रही है। रूस की सेना जानती है कि इस वक्त यूक्रेनी फौज पलटवार की ताकत खो चुकी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी मोर्चे खाली कराने का मिशन शुरू किया गया है। रूस ने आर्टिलरी और टैंक से प्रहार तेज कर दिया है, ताकि एक बड़े इलाके में जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाई जा सके। ज़ेपोरिज़्या में भीषण जंग में अब हथियार खत्म होने का असर साफ नजर आने लगा है। रूसी असॉल्ट ग्रुप ने यूक्रेनी आर्टिलरी और सैन्य ट्रकों को निशाना बनाया, ताकि यूक्रेनी फौज की मूवमेंट को पूरी तरह से रोका जा सके।
इस बीच सबसे ज्यादा जोर हवाई हमलों पर है। यूक्रेनी एयर डिफेंस जिन इलाकों में लाचार है वहां मिसाइल प्रहार हो रहा है, और जिन इलाकों में एयर डिफेंस एक्टिव है वहां ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किया जा रहा है। यूक्रेनी एयर डिफेंस लगातार ड्रोन को भस्म कर रहे हैं, लेकिन वॉर एक्सपर्ट मान रहे हैं कि रूस ड्रोन को सिर्फ चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि यूक्रेन की बची खुची एयर डिफेंस मिसाइल भी नष्ट हो जाए। अब आपको रूस की नई रणनीति और यूक्रेन में आने वाले नए हथियारों के बारे में बताते हैं। यूक्रेनी कवच लाचार हो चुका है, यानी एयर डिफेंस पहले जैसा मजबूत नहीं रहा और इसका फायदा रूस ने उठाना शुरू कर दिया है। रूसी वायुसेना ने सुखोई 34 से डोनेस पर बमबारी शुरू कर दी है। दक्षिणी डोनेस में यूक्रेनी सेना ने मोर्चा बनाया हुआ है। हमले में 5 यूक्रेनी मोर्चे तबाह हो गए। रूस के हमले में कई सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। एयर डिफेंस खाली होने की वजह से रूस के फाइटर जेट्स अब बेखौफ होकर हमले कर रहे हैं। जिन इलाकों में यूक्रेनी एयर डिफेंस एक्टिव हैं, वहां रूस लगातार शाहिद ड्रोन से हमले कर रहा है। बीती रात 17 बार ड्रोन से हमले हुए। यूक्रेन ने 16 ड्रोन को नष्ट कर दिया। एयर डिफेंस को खाली करवाने के लिए रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। खाली हो चुके पैट्रियट को भी नष्ट करने की कोशिश हो रही है। मुश्किल की इस घड़ी में यूक्रेन को ब्रिटेन से ड्रैगन फायर नाम हथियार मिल सकता है। ये बिल्कुल नया हथियार है। जनवरी में ही इसका टेस्ट हुआ है। दावा है कि ये ड्रोन को गिरा सकता है। इससे मिसाइलें भी गिराई जा सकती हैं। हालांकि ब्रिटेन ने इसके रेंज का खुलासा नहीं किया है। ये पैट्रियट के मुकाबले बेहद सस्ता साबित होगा। एक बार लेजर से हमले पर सिर्फ 1,057 रुपए के खर्च होने का दावा है। यूक्रेन को रूसी हवाई हमले से बचाने में पैट्रियट और आईएसटी एयर डिफेंस की अहम भूमिका है, लेकिन अब यह आसमानी कवच कायम रखने के लिए मिसाइलों की जरूरत है। एयर डिफेंस मिसाइलों की कमी के बीच रूस अपनी ऑयल रिफाइनरी पर हुए हमलों का बदला ले रहा है। रूस ने बीती रात 42 मिसाइलों से हमला किया। रूस ने ईरानी शाहिद ड्रोन से 40 हमले किए। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के थर्मल पावर प्लांट हैं, कारखाने और गोदामों को भी निशाना बनाया गया है। नेटो देशों के पास पैट्रियट या यूक्रेन में मौजूद दूसरे एयर डिफेंस की मिसाइलों की कमी नहीं, लेकिन मौजूदा माहौल नेटो देशों को मजबूर कर रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने बाल्टिक देशों को लेकर जैसा माहौल तैयार किया है, उसके बाद पोलैंड जैसे देशों को खुद अपनी सुरक्षा की फिक्र है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा ने भी पैट्रियट मिसाइलें ट्रांसफर करने से साफ मना कर दिया है। कहा है पोलैंड पर हमले का खतरा है और आत्मरक्षा के लिए सिस्टम और मिसाइलें जरूरी। यूरोपियन यूनियन में भी वोटिंग के दौरान ईयू काउंसिल की यूक्रेन को फंडिंग का प्रस्ताव गिर चुका है। कहा गया है कि जब तक यूक्रेन को नए पैट्रियट सिस्टम नहीं मिलते, फंड जारी नहीं होगा। ऐसे में ब्रिटेन यूक्रेन को ड्रैगन फायर लेजर हथियार देने पर विचार कर रहा है। ये हथियार लेजर से ड्रोन और मिसाइल गिराता है। हालांकि यूक्रेन अभी कमजोर नहीं पड़ा है, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन रूस के नुकसान का आंकड़ा भी आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन रूस पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। रूस के एक बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को निशाना बनाने की तैयारी है। यूक्रेन अपने 8 थर्मल प्लांट पर हमले का बदला लेने की तैयारी में है। यूक्रेन इंतजार में है और नेटो देशों में हथियारों पर मंथन चल रहा है। अब ब्रिटिश ड्रैगन फायर यूक्रेन के लिए आखिरी ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। यह बिल्कुल नया हथियार है। ब्रिटेन की सेना ने इसी साल जनवरी में इसका टेस्ट किया था। अब माना जा रहा है कि यूक्रेन भी ब्रिटेन का टेस्टिंग ग्राउंड बनने जा रहा है। ब्रिटेन अपने लेजर से प्रहार करने वाले ड्रैगन फायर नाम के एयर डिफेंस को जल्द यूक्रेन भेज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।